देखो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? आपको नाम से पता चल जाता है रो, ये मैट्रिक्स में पूरा कंसर्न किसका है? रो। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को ध्यान से देखना और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रो मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक है? इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पुरानी चीज बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई भी ये मैट्रिक्स है, सपोज कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स है, ठीक, तो रोज किनको बोलते हैं? रोज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ये वाली लाइंस, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? रोज। और जो ये वर्टिकल लाइंस है इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे एक्स एक्सिस वाली, ठीक, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उनको क्या बोलते हैं? रोज। इन चीजों को रोज बोलते हैं, ये रो, ये भी रोज, ये भी रोज। और जो वर्टिकल लाइंस है उनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो, आपको बस कंसेप्ट समझना है। रो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली वन रो, सिर्फ एक ही रो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विद एग्जैक्टली वन रो। रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितनी मर्जी हो, कॉलम एक हो, दो हो, तीन हो, पचास हो, सौ हो, एन हो, एम हो, कुछ भी हो, मगर रो एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, रो हॉरिजॉन्टल होती है तो रो तो एक ही रखी, मैं एक ही रो रखूंगा, दो तो नहीं करूंगा, तो रो मैंने क्या रखी? ए। और कॉलम्स मेरे पास क्या आ गई? तीन। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? रो की। सेकंड क्या होती है? कॉलम की। ऑर्डर है ना ये, इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो रोज होती है, सेकंड क्या होता है? कॉलम। तो एक रो तीन कॉलम्स, एक रो तीन कॉलम्स, तो वन बाई थ्री, तो ये एक रो हो सकती, ठीक। इस मैट्रिक्स को देखेंगे ध्यान से, इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है। अब आप इसमें कुछ सोचते होगा, सर कॉलम एक है मगर आप तो रो बोल रहे हो एक होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितनी मर्जी हो, रो मैट्रिक्स में रो एक होनी चाहिए, कॉलम आपके पास जितनी मर्जी हो, चार हो, पचास हो, एक हो, ठीक। तो ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स। हमें बस रो देखना है, रो एक है रो मैट्रिक्स, रो एक है रो मैट्रिक्स, इसके पास भी एक ही रो है ये भी रो मैट्रिक्स, इसके पास भी एक ही रो है ये भी रो मैट्रिक्स, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। अब ये देखो, इसको ऑर्डर एक रो एक कॉलम, तो वन बाय वन, इसको ऑर्डर एक रो एक दो तीन चार पांच छह, छह कॉलम, तो वन बाय सिक्स, इसको ऑर्डर रो तो एक ही है तो फर्स्ट में वन लिखो, कॉलम्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर, कहां तक? एन तक, तो वन रो एन कॉलम। इसकी बात करो, अभी आप इन सब एग्जाम्पलों को अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें जो फर्स्ट एंट्री है रो वो तो वन ही है, तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या लिखनी है? वन, कंपल्सरी है, मस्ट है कि आपको वन लिखना है, क्योंकि आप रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। और जो जे है, जैसे कॉलम थी इधर तीन, इधर एक, इधर छह, कुछ भी हो सकती है, तो वैसे जो जे है ये भी कुछ भी हो सकता है। और जे कहां से कहां पे वैली करेगा? वन से एन तक, तो इसलिए मैं लिख दिया जे कहां से कहां पे वैली करेगा? वन से एन तक, और रो आएगी उनकी वन, तो ये आ गई आपकी रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसके पास बस एक ही रो हो वो थी आपकी रो मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आता है तो प्लीज कमेंट में भी लिखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है टॉपिक रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इससे मेरे को भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का नाम भी कॉलम, अब उसके कॉलम से ही पता चला जाता है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है जिसके पास ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स विद एग्जैक्टली वन कॉलम। अब इधर मैंने कॉलम की बात की, रो की तो बात की, तो रो जितनी मर्जी एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह, पचास हो, हमें बस कॉलम देखने हैं। तो कॉलम आपको मैंने बोला वर्टिकल लाइन होती है, तो देखो एक ही वर्टिकल लाइन है वन कॉलम, 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 इसके बाद थोड़ी देर बाद करते हैं, ठीक है। इसके पास एक वर्टिकल लाइन है, रोज कितनी है? तीन, तो रोज तीन है और कॉलम कितनी है? वन, तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? रोज की। सेकंड क्या होती है? कॉलम, तो रोज तीन है कॉलम वन, रोज तीन कॉलम वन। हमने रो को तो देखना ही है, जो आपके पास रोज है हमें इसको देखना ही है, कॉलम मैट्रिक्स में रोज को हमें देखना नहीं है, ठीक, और रो मैट्रिक्स में कॉलम को हमें देखना नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉलम देखनी है इसमें सिर्फ, तो कॉलम क्या है? वन, कॉलम क्या? वन, तो ये कॉलम मैट्रिक्स,
कॉलम वन कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वन ये भी कॉलम मैट्रिक्स, सब में कॉमन बात क्या है कि जो कॉलम है वो वन है। तो देखो इसके बाद जो कॉलम है ये भी तो मैंने वन रखी है, तो कंपल्सरी मस्ट कंडीशन क्या है कि जो कॉलम है उसको क्या रखना है, वन रखना है, ठीक। और जो रोज है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला रोज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो को, और आई वन से लेके आने तक कुछ भी हो सकता है। ये उसी की एग्जाम्पल है, जैसे कॉलम तो वन ही है मगर रो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एम, एम कुछ भी हो सकता है, एम आपका हंड्रेड हो सकता है तो ये हंड्रेड एलिमेंट्स हो गए, एम आपका फिफ्टी हो सकता है तो ये फिफ्टी एलिमेंट्स हो गया, एम आपका टेन थाउजेंड हो सकता है तो ये टेन थाउजेंड हो गया। तो इसलिए एम के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन बाउंड नहीं है, कंडीशन हमें बाउंड करनी है बस किसके ऊपर, जे के ऊपर, जो कॉलम है कॉलम हमारे पास वन हो रहा है जितना मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो टाइप्स आ गए, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो रो भी है और कॉलम भी है, बताओ, अगर है तो बताओ, सोचो, ठीक। आप लोगों से सोचना क्या, आपने तो सामने लिखी हुई है ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है, ठीक, जिसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो रो भी है और जो कॉलम भी है। तो हम बोल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स, अंदर आप एलिमेंट कुछ भी लिखो जिसको ऑर्डर क्या है वन, वो क्या होगी, रो एज वेल एज कॉलम। तो एक ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स भी होगी और कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। तो एक्चुअली ये एग्जाम्पल है और ये आपका जनरल में बताया हुआ कि जनरल में कैसे रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्केयर मैट्रिक्स, नाम से पता चलता है स्केयर, नाम से आपको पता चलता है स्केयर। अब जो स्केयर है हमें छोटी क्लास में बताया, स्केयर है उसकी साइडें क्या होती है, सेम सारी साइडें सेम होती है, मगर अभी तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसमें तो साइडें हैं नहीं। हाँ आप उसको विजुलाइज कर सकते हो कि ये साइड्स है, वो कैसे, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर, ये स्केयर मैट्रिक्स है तो हम विजुलाइज कर सकते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो इसको एक साइड मान लें, इसको एक साइड मान लें, इसको एक साइड मान लें, इसको तो स्केयर है, ठीक। विजुलाइज करना एक्चुअल में मान है क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आते हैं, ठीक। तो स्केयर मैट्रिक्स आ गई इस टाइप, क्या देख रहे हैं हम इस खास, इसमें इसमें जितनी रोज है उतनी कॉलम्स हैं, देख लो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, उसको क्या बोलते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने बड़े रिजल्ट पढ़े हैं, ठीक। तो वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स क्या हो सेम, तो वो क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स। देखो इसमें दो रोज है दो कॉलम्स है, इसमें तीन रोज है और तीन कॉलम्स, एलिमेंट कुछ भी लिखो, इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो ये सारी क्या है, स्केयर मैट्रिक्स, ठीक। इसको ऑर्डर है टू बाई टू, इसको ऑर्डर है थ्री बाई थ्री, इसको ऑर्डर है वन बाई वन। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि स्केयर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर एम। अगर मैं आपको बोलता हूं स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो उसका मीनिंग क्या है, एन क्रॉस एन। जब मैंने स्केयर बोलती है तो मैं एन ही बोलूंगा ना, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रोज और कॉलम्स क्या होती है सेम, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। जब मैंने बोला ऑफ ऑर्डर टू, मैंने ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपने खुद समझ आना है, सिर्फ ऑर्डर टू बोलना है तो ये स्केयर मैट्रिक्स, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री, फिर स्केयर नहीं है क्योंकि रोज दो और कॉलम्स क्या है तीन। तो ये आपकी तीन टाइप्स है मैट्रिक्स की, ठीक। ये टाइप्स के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी देर बाद आप तक पहुंचाऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। और स्पेशली मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को ये जरूर बताना कि क्या आपको लेक्चर समझ आ रहा है। ओके थैंक यू।